आप जैसे YouTube ओपन करोगे, आपको जितना ना गाना सुनाई देगा, जितना ना आपको वीडियो दिखाई देगा, जितना ना आपको मूवी दिखाई देगा, उससे ज़्यादा आपको ब्लॉगर दिखाई देगा। और ब्लॉगर मतलब क्रिंज ब्लॉगर, जैसे YouTube में था क्रिंज, YouTube बोलता हूँ, जैसे TikTok में था क्रिंज टिकटॉकर्स, वैसे सेम यूट्यूब में क्रिंज यूट्यूबर क्रिंज ब्लॉगर बन गया है। मतलब ऐसा क्रिंज कि उसका कंटेंट देख के आपको तो कुछ पॉजिटिविटी आने वाला नहीं है, उल्टा नेगेटिविटी ज़्यादा आपको मिलने वाला है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, योर यूट्यूब चैनल पोंग भाई से। ब्लॉग शुरू करने से पहले ये बात को मैं इसीलिए छेड़ा क्योंकि आज का डेट में यूट्यूब में आप जैसे ही ओपन करोगे आप क्या क्या सीख सकते हो ये पहले जानो कि एक फ़ैन को कैसे चलाया जा सकता है, कि लाइट को कैसे जला सकते हैं, होटल कैसे बुक कर सकते हैं, एक फ़्लाइट का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, कहीं पर घूमने जाना है तो क्या क्या कैरी कर सकते हैं, कहीं पर अगर घूमने जाना है वहाँ का क्या खासियत है, क्या फेमस है, क्या देखना क्या नहीं देखना, कैसे जाना, किससे बात करना, ये सब कुछ आप जान सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन 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 इसके अंदर भी बहुत सारा क्रिंज है। जैसे कि मतलब मान लो कि एक वीडियो को मैं शॉर्ट में 5 मिनट के अंदर बना सकता हूँ, लोगों के पास डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसा है कि पैसों के लिए वही बात को घुमा के, मतलब नाक ये नहीं है, ये है मेरा नाक, मतलब यही बात है। ऑलवेज बोलूँगा जब भी आप किसी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, जब भी किसी का वीडियो देख रहे हो, पहले ये जानो कि वहाँ से आप पॉजिटिव कुछ सीख सकते हो कि नहीं, वहाँ से कुछ पॉजिटिव वाइब्स आपको मिल रहा है कि नहीं। अगर पॉजिटिव वाइब्स आपको जनरेट हो रहा है, आपको मिल रहा है, आपको खुशी मिल रहा है, तो ही मैं सजेस्ट करूँगा वो देखो, उसमें आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। अल्टीमेट एंड ऑफ द डे आपका फ़ायदा अगर नहीं होगा, बेकार में अपना फ़ोन का खर्चा करके MB वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। इससे थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स मिलता है उसमें खर्चा करो तो उसमें आपको ही अच्छा होने वाला है। अभी अगर अच्छा आप करोगे तो आपका फ्यूचर में जाके भी अच्छा अच्छा ही होने वाला है। अभी अगर आप नेगेटिविटी के लाइन में ही चलते रहोगे तो आपका फ्यूचर भी नेगेटिविटी के ऊपर ही चलता रहेगा। सो मैं बेसिकली आज संडे है तो घूमने के लिए जा रहा हूँ, घूमने के लिए बेसिकली नील्स कोव जा रहा हूँ। नील्स कोव है राधानगर का एकदम लास्ट पॉइंट जहाँ से नील आइलैंड दिखाई देता है, तो इसके लिए नील्स कोव कहा जाता है। सो वहाँ पर जाने के बाद मैं उसका डेफिनेशन दिखाऊँगा एंड वहाँ पर मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। सो नहाने के लिए जब जाऊँगा तो ये ड्रेस तो ऑलरेडी मैं पहना हुआ हूँ, इसके साथ एक टॉवल ले लूँगा और एक पेयर में क्लॉथ्स ले लेता हूँ क्योंकि ये भीग जाएगा तो चेंज करने में आसानी हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये कैमरा तो मेरे को कैरी करना ही पड़ेगा। बैग में मैं अपने लिए एक टॉवल ले लिया, उसके साथ एक पैंट ले लिया एंड मेरा एक टी शर्ट ले लिया, इसमें इसके अंदर है टी शर्ट बेसिकली, एंड एक पानी बोतल, ये वाला गिर गया नीचे, ये वाला एक पानी बोतल लेता हूँ। देखो अभी पानी बोतल वहाँ पे ख़रीद भी सकता हूँ लेकिन ख़रीद लूँगा फिर ख़त्म हो जाएगा, तो सेफ साइड के लिए और एक मैं अपने साथ रख देता हूँ। सो फाइनली हम दोनों पहुंच गए नील्स कोव। नील्स कोव बेसिकली बोलने से राधानगर का एक अलग पार्ट है, अलग साइड है, एक्चुअली अटैच्ड ही है लेकिन ये थोड़ा सा आपको प्राइवेसी मिल जाएगा यहाँ पे। प्राइवेसी इसलिए क्योंकि ये साइड में कोई नहीं आता, पूरा खाली खाली रहता है। अभी जैसे आप ये साइड देखोगे तो ये है राधानगर बीच, ये पूरा राधानगर बीच, यहाँ पर आपको मिलेगा बैरफुट का और वो आगे आपको मिल जाएगा ताज का एक्सेस। ये दोनों जगह में दो बड़ा बड़ा होटल है और दोनों बड़ा बड़ा रिसोर्ट का आपको एक्सेस मिल जाएगा।
एंड ये जगह में जितना भी फॉरेनर्स लोग हैं, लोकल्स लोग हैं, ये साइड में जाते हैं क्योंकि ये साइड में थोड़ा सा खाली रहता है, तो आपको थोड़ा सा प्राइवेसी भी मिल जाएगा ये साइड। अभी आप नील्स कोव आ रहे हो तो ये चीज़ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों इसको नील्स कोव कहा जाता है, क्योंकि ये जो कर्व है, ये कर्व होने के बाद यहाँ से आपको नील दिखाई देगा, आपको वो जगह से नील आइलैंड उतना अच्छे से नहीं दिखाई देगा जितना कि यहाँ से आपको खड़े होकर दिखाई देगा। सो इसलिए इसको नील्स कोव कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको नील आइलैंड दिखाई देता है। सो थोड़ा सा ये एरिया में आपको रॉकी मिल जाएगा एंड ये एरिया जैसे ही ख़त्म हो जाएगा आपको बालू बालू वाला एरिया मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे चप्पल संभाल के, अगर स्लीपर ही चप्पल है मतलब आपका चप्पल में उतना अच्छा ग्रिप नहीं है तो एक ग्रिप वाला चप्पल खरीद लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्लीपर ही है सब पत्थर। सो अभी बेसिकली चल रहा है लो टाइड चल रहा है करके यहाँ तक इतना पत्थर दिखाई दे रहा है, इतना बालू दिखाई दे रहा है, जब ये हाई टाइड चलता है ये सब कुछ पानी के अंदर चला जाता है सब कुछ। यहाँ से व्यू देखो सिर्फ, ये कर्व हुआ है और वो कर्व के अंदर पूरा पानी है। तो बेसिकली उस पॉइंट को आपको नील्स कोव कहते हैं, एग्जैक्ट नील्स कोव आप बोलोगे तो उसी पॉइंट को आपको नील्स कोव कहते हैं। अभी जो जगह में हम लोग जाके स्टॉप करेंगे वही होगा परफेक्ट नील्स कोव। बेसिकली ये साइड में फॉरेनर लोग आते हैं, लोकल लोग यहाँ पे पिकनिक पार्टी करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये जगह देखो खाली रहता है। अपराधनगर बीच शाम के टाइम में आके देखोगे कितना भरा रहेगा, मतलब कॉन्जेस्टेड पूरा एकदम भरा चकाचक रश रहेगा, लेकिन ये जगह खाली रहेगा। आप सुबह आओ, शाम को आओ, रात को आओ, ये जगह खाली रहेगा। एंड रात को यहाँ पे अलग से स्टार गेजिंग वगैरह करने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, जब आसमान में देखोगे आप, देखो सिर्फ यहाँ से पूरा खुला आसमान, तो आपको व्यूज़ तो और भी अच्छा मिलेगा ऊपर का। स्टार गेजिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ से। देखो आप बाइक लेके जंगल के अंदर से यहाँ तक आप आ सकते हो, ये जगह तक आ सकते हो, या तो वो पॉइंट तक भी आप जा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी देखो मैं बाइक लेके वहाँ पे रुक गया क्योंकि मेरा वीडियो बहुत गेस्ट भी देखता है। सो आप लोग कभी अंडमान आ रहे हो, नील्स कोव आना चाहते हो, बाइक लेके अंदर में एक जंगल के अंदर से राइड करके आना चाहते हो, सो इसलिए मैं सेफेस्ट पॉइंट पे पार्क कर दिया ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये जगह में पार्क करने से सेफेस्ट रहेगा। इसके अंदर क्या होता है, जंगल एरिया है तो सूखा टाइम में आना सही रहेगा, लेकिन बारिश का मौसम में ये सब अंदर में आना थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि जंगल बढ़ जाता है। जितना जंगल बढ़ जाएगा उतना इंसेक्ट्स का डर रहेगा, कीड़ा मकोड़ा, फिर सांप, ये सब का डर रहेगा, और यहाँ पे सबसे जहरीला सांप है, सबसे जहरीला ब्रीड का। सो इसीलिए जितना सेफेस्ट जगह में बाइक को रखोगे, जितना सेफेस्ट जगह में आप चलोगे उतना आपके लिए अच्छा है। मेरे को यहाँ तक का रास्ता पूरा मालूम है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इजीली मालूम पड़े कहाँ पे मैं बाइक रख सकता हूँ, कहाँ पे कैसे जा सकता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे बाइक पार्क किया, थोड़ा सा वॉक करके आया। देखो वॉक भी ज़्यादा नहीं है, 2 मिनट का ही वॉकिंग है, आप पूरा नील्स कोव पहुँच जाओगे। इसको ही कहते हैं नील्स कोव बेसिकली। पानी देखो सिर्फ आप। अभी राधानगर का एक खासियत मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा सा टाइम जो बैग को रखता हूँ, थोड़ा सा फ़ोन को इसके अंदर बैग के अंदर डाल के फिर कैमरा लेके जब पानी में जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि राधानगर का खासियत क्यों, राधानगर को इतना फेमस कहा जाता है। ये हम लोगों का रहा नेचुरल हैंगर, यहाँ पे कपड़ा फिर बैग ये सब कुछ यहाँ पे रख सकते हो इजीली। सो समुंदर में जाने से पहले थोड़ा सा कोक पी लेते हैं, क्योंकि अभी तो नमक पानी पीना है, तो उससे पहले थोड़ा सा मीठा पानी पीना ही अच्छा है। चलते हैं पानी में। देखो भाई कैमरा लेके गया, अगर बाई चांस कैमरा डूब गया तो मेरे को भाई कितने का फटका मिलेगा ना, आइडिया के बाहर। पूरा गाड्डा नीचे, अरे तू बोले कैमरा पोड़ तो नीचे आओ, तो कैमरा ऊपर में रख देना सही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि नीचे जब गया तो पूरा गड्ढा है नीचे ऐसे जाने के बाद। तो मैं बोला नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए, कैमरा मेरा सेफ रहे वही अच्छा है। ठीक है, मैं भूल ही गया कि मेरा लेंस के ऊपर एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है, तो मैं भूल ही गया था, मेरा दिमाग से ही हट गया था। ये देखो पानी देखो इतना क्लियर है कि नीचे पूरा दिखाई दे रहा है, नीचे क्या है नहीं है पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है नीचे। अभी एक चीज़ तो दिखाना बाकी है, देखो यहाँ पे ब्लू वाटर, वाइट सैंड और ग्रीन फॉरेस्ट, बेसिकली इस चीज़ के लिए राधानगर फेमस है, क्योंकि ये तीनों कम्बिनेशन सिर्फ आपको यहीं पे ही दिखाई देने वाला है, ओनली अंडमान में, इंडिया का वन एंड ओनली प्लेस जहाँ पे ये तीनों चीज़ का कम्बिनेशन एक ही साथ आपको दिखाई देने वाला है।
मैं तो भाई नहाने जा रहा हूँ, आप लोग भी वेट मत करो, आ जाओ। देखो सही बात बोलने से ये जगह में मैं GoPro को बहुत मिस करता हूँ। अगर GoPro रहता अभी मैं पानी में चला जाता, मेरे साथ रहता, मैं वीडियो और भी अच्छे से बना पाता, मेरे को प्रॉब्लम नहीं। देखो वो भी खरीद लेंगे, अगर सब्सक्राइबर 10,000 तक आप लोग करवा देते हो तो वो भी मैं खरीद लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब कुछ आप लोगों के हाथ पे ही है। तो अभी नहाना हो गया है हम दोनों का, और अभी हम लोग रवाना होंगे घर के लिए। बाय द टाइम हम लोग थोड़ा सा चिप्स और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स पी लेंगे, क्योंकि पेट में थोड़ा सा भूख लगा है। अभी जाने के बाद खाना तो मिल जाएगा मेरे को, लेकिन ऑन द वे में कुछ तो पेट को तो कुछ देना पड़ेगा, इसलिए चिप्स वगैरह लाया, खा भी लिया। अभी रवाना होते हैं घर के लिए। फिर से जंगल के अंदर से जाना, फिर से वही एंजॉयमेंट, मतलब एक अलग ही मज़ा लगता है ये जगह आने के लिए। सो मैं भी सजेस्ट करूँगा आप लोगों की एक बार आओ, एक बार विजिट करो, देखो कितना मज़ा होता है यहाँ पे आने के लिए। बाइक पे आओगे तो और भी ज़्यादा मज़ा होगा। अगर बाइक चलाना नहीं आता तो बाइक वॉक करके राधानगर से आप राधानगर आके राइट हैंड साइड चल के आ सकते हो यहाँ पे, लेकिन बहुत देर तक चलना पड़ेगा यहाँ पे, एटलीस्ट 30 मिनट्स चल के फिर ये जगह पहुँचोगे। अदरवाइज बाइक पे आओगे तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, चल के ये जगह पहुँच जाओगे। एंड नहाने के लिए लो टाइम में फुल सेफ जगह है एंड प्राइवेसी वाला प्लेस है। तो जो मैं कह रहा था कि ये जगह में आपको पहाड़ जैसे, ये जो माउंटेन हिली एरिया है, ये ख़त्म होने के बाद देखो एक शेड दिखाई दे रहा है, बेसिकली वो है नील आइलैंड। पर इसको नील्स को भी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से पूरा नील आइलैंड पूरा का पूरा दिखाई देता है। सो इसलिए मेरा कैमरा तो उतना अच्छा कैमरा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, तो जितना दिखा सकता हूँ उतना ही मैं दिखा दिया आपको। अभी इसके बाद कैमरा तो मेरे को एक अच्छा खरीदना भी पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तो 10,000 सब्सक्राइबर, आप लोगों से मेरा विनती है कि करवा दो 10,000 सब्सक्राइबर। इतना यूट्यूबर बढ़ रहा है, सो मेरे को भी थोड़ा सा बढ़वा दो रे भाई। मैं तो देखो भाई, मैं तो क्रिंज वाला वीडियो तो नहीं बना रहा, जब भी बनाता कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाता हूँ। सो इसलिए रिक्वेस्ट, थोड़ा सा शेयर करो, थोड़ा सा लाइक करो, थोड़ा सा कमेंट करो। जितना कमेंट करोगे उतना एल्गोरिथम में हिट करेगा और मेरा वीडियोस 10 लोगों के पास पहुंचेगा। सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो, वो तो मत ही भूलना, वो तो करना ही करना।